नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निबंधन कार्यालय से दस्तावेज की सत्यापित कॉपी पाना हुआ महंगा। बायोमेट्रिक पर डॉक्टरों की हड़ताल। सरकार ने की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। ट्रेनों का सफर हुआ महंगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो कोई कोर्स करना चाहते हैं लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से या फिर कॉलेज की फीस ज्यादा होने की वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। योजना का उद्देश्य उन छात्रों को आर्थिक सहायता देना है जो SC OBC ST वर्ग से संबंधित है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर अप्लाई करना होगा। बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही 10वीं पास या 12वीं क्लास के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। निबंधन कार्यालय से दस्तावेज की सत्यापित कॉपी पाना हुआ महंगा। बिहार में निबंधन कार्यालयों के रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेजों को खोजना और उसकी सत्यापित कॉपी लेना अब महंगा हो गया है। बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के हस्ताक्षर के बाद इसे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के मुताबिक दस्तावेजों को देखने, खोजने व कॉपी देने की राशि का सरलीकरण किया गया है। अधिसूचना के अनुसार किसी एक नाम से संबंधित एक साल के दस्तावेज को खोजने या देखने के लिए अब 100 रुपए का एक मुश्त भुगतान करना होगा। हालांकि किसी एक नाम से जुड़े एक साल से अधिक के दस्तावेज को खोजने या देखने के लिए अधिकतम 1000 रुपए तक भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं रजिस्ट्री से पहले या उसके बाद के किसी संपूर्ण दस्तावेज एंट्री अथवा उसके कारणों की सत्यापित कॉपी हासिल करने के लिए एक मुश्त 500 रुपए देने होंगे। ट्रेनों का सफर हुआ महंगा। रेलवे ने देश भर के 130 एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा देकर सभी श्रेणियों के किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत ट्रेनों के AC 1 व एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 75 रुपए प्रति यात्री, AC 2-3 चेयर कार में 45 रुपए व स्लीपर श्रेणी में 30 रुपए प्रति यात्री किराया बढ़ा दिया है। इस प्रकार यात्रियों को PNR की बुकिंग में AC 1 में 450 रुपए, AC 2-3 में 270 और स्लीपर में 180 रुपए यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। हालांकि इन सभी ट्रेनों में खानपान, यात्री सुरक्षा अथवा सुविधाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। बता दें कि रेलवे के नए टाइम टेबल 2022-23 में बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। विदेश जाने के लिए पटना में होगी मेडिकल जांच। नौकरी के लिए बिहार से विदेश में जाने वाले लोगों को मेडिकल फिटनेस बनाने के लिए अब दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। बता दें कि विदेश मंत्रालय के पटना स्थित बिहार झारखंड इमिग्रेंट्स कार्यालय के सहयोग से पटना के 8 लैब की जांच रिपोर्ट को मान्यता मिली थी। अब उन सभी 8 लैबों में जांच शुरू हो गई है। पटना के जिन लैबों को मान्यता दी गई है उनमें ए मेडिकल सेंटर राजीव नगर, बलूसी मेडिकल सेंटर खेमनीचक, अजजीरा मेडिकेयर इंडिया आशियाना दिघा रोड, OMBS मेडिकल सेंटर इंडिया बुधमार्ग, सारा डायग्नोस्टिक सेंटर कंकड़बाग, ओमो हमदी हेल्थ केयर सिस्टम PC कॉलोनी, सिविल डायग्नोस्टिक गोला रोड, यूनिवर्सल मेडिकेयर कुर्जी मोड़ व ए आत्मा शामिल है। आदमखोर बाघ ने बच्ची को बनाया अपना शिकार। गोवर्धना थाना के सिंगाही गांव में बीते दिन बुधवार की देर रात एक झोपड़ी में घुसकर आदमखोर बाघ ने 12 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। मृतका की पहचान सिंगाही गांव निवासी रमाकांत मांझी की पुत्री बगड़ी देवी के रूप में किया जा रहा है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि बाघ ने 9 महीने में ये 7वां शिकार किया है। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। वहीं वन विभाग की रेस्क्यू टीम बाघ को खोजने में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची खाट पर सो रही थी तभी बाघ मच्छरदानी फाड़ते हुए बच्ची को ही उठाकर ले गया और फिर छोड़ दिया। बच्ची के गर्दन और हाथ पर घाव के निशान थे। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद गंडक का बढ़ा जलस्तर। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी अचानक उफना गई है। बताया जा रहा है कि बीते दिन बुधवार की देर रात गंडक नदी का जलस्तर 2,10,000 क्यूसेक पहुंचने के बाद से लगातार जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आज यानी गुरुवार को 8 बजे तक जलस्तर बढ़कर 2,80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बता दें कि गंडक नियंत्रण कक्ष बड़ा से 2,80,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज किया गया है, जिस वजह
वजह से गंडक बिराज के 36 फाटकों को खोल दिया गया है और नहरों में पानी सप्लाई बंद कर दी गई है। नतीजन प्रशासन ने नेपाल में हो रही बारिश को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। इसे लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का भी आदेश दिया है। बायोमेट्रिक पर डॉक्टरों की हड़ताल। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने को लेकर हड़ताल कर दिया है, जिसकी वजह से अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद हो गई है। बिहार राज्य चिकित्सा संघ ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाने की परंपरा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर इसका विरोध करेंगे। संघ के आह्वान पर राज्य भर में डॉक्टर हड़ताल पर रहते हुए ओपीडी की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस के द्वारा बीते दिन बुधवार को बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मनीगाछी के ब्रह्मपुरा गांव के सुनील कुमार मिश्र का बेटा राकेश कुमार मिश्र है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन बुधवार को शाम करीब 4 बजे पुलिस सादे निवास में आरोपी राकेश के घर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत राकेश के मोबाइल पर कॉल किया। राकेश के कॉल रिसीव करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राकेश की गिरफ्तारी के बाद लोगों का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमारी का शिकार है। वहीं राकेश के पिता सुनील कुमार मिश्र बिहार इंटर काउंसिल में कार्यरत हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी। तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार को 6 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम में 51 पैसे और डीजल में 48 पैसे की कमी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 109.15 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.80 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107.54 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.32 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 26 पैसे और डीजल में 24 पैसे की कमी आई है। बिहार नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर भाजपा का जदयू को जवाब। नगर निकाय चुनाव के स्थगित होने के बाद बीजेपी राज्य सरकार के पूर्व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने जदयू को जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हठधर्मिता के कारण हाईकोर्ट को चुनाव पर रोक लगानी पड़ी है। रोक लगाए जाने के कारण बेवजह प्रत्याशियों के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर दोषी हैं। इस गलती के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। जदयू के लोगों को और मुख्यमंत्री को भारत के संविधान का ज्ञानवर्धन करना चाहिए। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में हाजिर होकर सरकार को नियमों को मानने की प्रतिबद्धता जताई थी और आज ये लोग हठधर्मिता के तहत चुनाव कराने लगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर महागठबंधन सरकार पर तंज कसा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि अभी एक विकेट मेघनाथ का गिरा है, महागठबंधन का रावण गिरना बाकी है, वो भी गिरेगा। बता दें कि भाजपा से नाता तोड़कर जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, तभी से कुछ न कुछ विवाद हो रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले तो मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर जमकर सरकार की फजीहत हुई और फिर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसको लेकर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। नगर निकाय चुनाव में ईबीसी रिजर्वेशन पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने। निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जदयू और बीजेपी आमने सामने है। इस आरक्षण को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरते हुए ट्वीट कर कहा है कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी नगर विकास के मंत्री भी थे। तब से अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब सुशील मोदी जी उसी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आयोग बनवाकर आरक्षण के मामले को उलझाना चाहती है। वहीं सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अति पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित करने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। मधेपुरा में सीबीआई ने पूर्व भू अर्जन पदाधिकारी को किया गिरफ्तार। सृजन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई मधेपुरा में भी सामने आई है। बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्ण कुमार की विजयादशमी के दिन मधेपुरा से गिरफ्तारी हुई है। बीते दिन बुधवार को सीबीआई की एक टीम मधेपुरा सदर प्रखंड के तुनियाही गाँव में उनके पैतृक घर पहुंची। वहां उनके द्वारा संचालित निजी विद्यालयों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि उन पर आरोप था कि जब वह सहरसा जिले में कोसी योजना के तहत विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने घोटाला किया।
T20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया गुरुवार तड़के आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है। 2007 के चैंपियन पिछले साल सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद इस साल ताज जीतने की कोशिश करेंगे। विश्व कप से पहले टीम इंडिया संबंधित द्विपक्षीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को हराकर कुछ गति हासिल करने में सफल रही है और अब एक उम्मीद है कि भारत टूर्नामेंट में सभी तरह से जाने में सक्षम है। बता दें कि BCCI के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने टीम इंडिया की पूरी टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने की तस्वीर पोस्ट की। विराट कोहली, हार्दिक पांडे और सूर्य कुमार यादव जैसे सितारों ने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करने वाली टीम की तस्वीरें साझा की है। देश भर में आए 5000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 10 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटों में कुल 41,274 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 27 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, सबा जफर, राकेश शर्मा, मुतु रंगीला, शंकर मुखिया, संजय शर्मा, राबिया बाश्री, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशद राजा, इंद्रजीत कुमार शाह, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, कुलदीप कुमार, राजकुमार प्रसाद, शंकर मुखिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत होने से छात्रों को क्या लाभ मिल सकेगा? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।